नमस्कार, मैं हूं हिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्रजापति समाज के जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। माटी कला के लिए आवंटित तालाब एवं जमीन पर अवैध खुदाई कर रहे हैं दबंग। मामला ग्राम पंचायत बिलरियागंज जिला आजमगढ़ से है। जमीन पर अवैध खुदाई कर दबंग पूर्व प्रधान पति ने लगभग 50 डंपर मिट्टी बेच दिया। पोखरी पर कुछ लोगों को अपनी दबंगई के बल पर अवैध कब्जा कराया है। ग्राम प्रधान से बात करने पर उनका कहना है कि हाँ, मैंने मिट्टी निकलवाई है, जिसको जो करना है कर ले। इसको लेकर प्रजापति समाज काफ़ी आक्रोशित होकर सबसे पहले थाना अध्यक्ष बिलरियागंज को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद तहसीलदार सगड़ी जिला आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा, फिर उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया कि अब कोई खुदाई नहीं होगी। लेकिन खुदाई होने के बाद कुम्हार समाज का मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी अधिक मात्रा में उठा ली गई है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आजमगढ़ फूलपुर से अजगर आजम की रिपोर्ट। मैं अंबिका प्रजापति, भारतीय समता समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। इन जरूरतमंदों के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए, इनकी आवाज़ बनने के लिए आज यहां पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। समस्या उधर सरकार कहती है कि हम कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, कुम्हारी कला को बढ़ावा देंगे। कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए कुम्हारों के लिए ज़मीन आवंटित है, जबकि कुम्हार उससे अपना जीवन भरण पोषण करते हैं। वहीं पर एक तरफ दबंग लोग लगे हुए हैं, पूरी तरह से डंपर लगाकर मिट्टियां उठा रहे हैं। अगर ये परिवार के लोग, एक समाज के लोग वहां पर जाकर जब मना करते हैं तो उनका कहना रहता है कि हमें पैसा मिल गया है, हम इसके लिए आपकी बात नहीं सुनेंगे, जो मर्जी करना हो कर लो। कहाँ का मामला है, किस गाँव का? ये बिलरियागंज देहात का मामला है। क्या हो रहा है वहाँ, कौन मना कर रहा है, नाम बताएं। इससे पहले एक प्रधान है हमारे, राम नारायण, ग्राम प्रधान है बिलरियागंज देहात के, वो प्रधान पति है। उन्होंने कुछ लोगों से, दबंगों से या किससे, प्रशासन से पैसा लेकर ये काम करवा रहे हैं, और जिसमें आप लोगों की, देखिए काफ़ी भीड़ यहाँ पे है, काफ़ी लोगों को हमने मना भी किया कि कोरोना काल चल रहा है, आप मत जाइए वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग अपनी पीड़ा को बताने के लिए रोक नहीं पाए और एसडीएम साहब से यहाँ मिलने के लिए आए, जहाँ पर अभी एसडीएम साहब से मुलाकात भी नहीं हुई, जबकि ये कहा जाता है कि कलेक्ट्रेट पे सोमवार को उनकी मुलाकात होती है, लेकिन आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। काफ़ी लोगों में आक्रोश है इसी चीज़ को लेकर, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।